कैसे हैं आप सभी? ध्यान से सुनिएगा जो बात है लखन ने थोड़ी देर पहले, ध्यान से सुने आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति मंदिर परिसर में आया है, थोड़ा आप जो है सफाई का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपने इर्द गिर्द कोई भी कूड़ा करकट ना फैलाना। और दूसरी बात, यदि किसी को प्यास लगती है या फिर किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति हाथ खड़ा कर देगा और जितने भी दरबार के लड़के हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। और आपको भी जो है मंदिर परिसर में भगवान के दरबार पर आप आए हैं तो क्या कहते हैं, एक भगत के रूप में जैसे आप बैठे हैं उसी प्रकार से संयम और शांति से बनाए बैठे रहिएगा। नंबर मेरे हाथ में और मेरे किसी दरबार के लड़के के हाथ में नहीं होता, नंबर देवी चुनेगी, देवी चुनकर जिसको लेके आएगी उसी का नंबर यहाँ पर आएगा। उसका कहे कि हमारा नंबर कैसे आएगा, जो देवी जिसे चुनेगी उसी का नंबर यहाँ पर आएगा। और जितना प्रयत्न होगा देवी से कहा जाएगा कि आपका कष्टों का निवारण किया जाए। और अगर उस पर आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, दरबार पे आप कितने भी बैठ जाओ ठीक है, लेकिन अगर आस्था है, विश्वास है, तभी आपका कार्य बनेगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बैठना दरबार पर तुम 10 दरबार में बैठ जा, लेकिन जब आस्था और विश्वास है ना, मैं बता रहा हूँ, ये सुरकंडा डोली धाम है, ये सुरकंडा डोली दरबार है। इस दरबार में अगर आस्था से आप बैठ गए और क्या कहते हैं विश्वास से आप बैठ गए, मेरी ये जानकारी है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपका बैठे बैठे ही काम पूरा हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए जो आ रखी हैं वो अपने स्थान पे खड़ी हो जाएं, जितनी भी माताएं बहनें हैं वो खड़े हो जाएं अपने स्थान, वही खड़े होइएगा, उनके साथ में उनके हस्बैंड और सास वगैरह कोई नहीं, वही खड़े होइएगा। वो अभी नहीं, वो कहते हैं पहले जिनकी संतानें नहीं है, जिनकी संतानें नहीं अभी बैठी, आप देवी चुनी संतान के लिए पूछना तो लड़की को लाना था।